अभी हम मिसामारी में ही हैं। एक छोटा सा नाक का बच्चा है, ये बेबी मोनोक्लेट कोबरा है। ये यहाँ पर आंगन में बैठा हुआ है, इसको जरूर कुछ हुआ है, इसलिए ये बहुत सुस्त है साहब। इसको कोई तकलीफ जरूर है जिसके कारण ये एक ही जगह पर बैठा हुआ था काफ़ी देर से, आधा घंटा हो गया है फ़ोन किया, अभी भी यहीं पर है। कुछ हुआ जरूर इसका जिसके कारण ये वैसा कुछ कर नहीं रहा है। कुछ तकलीफ है दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा इलाज करना पड़ेगा घर ले जाके। इसका तकलीफ जो है मुंह पे ही इसका तकलीफ है, देखिए ये मुंह खोल भी नहीं रहा है। हाँ, और लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा खून जैसा जमा हुआ है इसका मुंह पे, कुछ मुझे लग रहा है डाउट है। फिर भी मैं इसे कुछ दिन घर पर रखूँगा, रख के इसका इलाज कराऊँगा, इलाज कराने के बाद ही इसको रिलीज करूँगा। का जो है मिसेस को जो है 6 महीने पहले ऐसा ही नाक साहब ने, अच्छा कोई कीड़ा काटा बोल के संदेह हुआ, देखा नहीं क्या चीज काटा, आखिर में उनका मृत्यु हुआ। बाद में पता चला जैसे कि कोई साफ ही काटा होगा, कोई कीड़ा अगर काटता, और आज ही का दिन था, आज ही का दिन था, यही बृहस्पतिवार ही था जो इसी समय पर ही कोई कीड़ा काटा जैसा उनको लगा था कि कीड़ा काटा है, तो संदेह में था, कोई इलाज नहीं कराया था, डॉक्टर के पास नहीं गया था, तो बाद में उनका जो है मौत हो गया है। तो अब इनको लग रहा है कि आज इसी बृहस्पतिवार को इसी समय में फिर इनका घर का आंगन में जो है एक सांप का बच्चा जो है, ये आपका मोनोक्लेट कोबरा है, मोनोक्लेट कोबरा का एक बच्चा बैठा हुआ है। तो दोस्तों देखिए इन्होंने कितना अपना भक्ति और श्रद्धा से जो है, इन्होंने अपना श्रद्धा और भक्ति से देखिए ये दिया जलाया है, यहाँ पे दूध रखा हुआ है कि ताकि ये दूध पिए। सही बात जो है आपको मैं जानकारी देता हूँ, सभी भारतवासी को मैं जानकारी देता हूँ, सांप कभी दूध नहीं पीता है, पी ही नहीं सकता है। सांप अगर दूध पिएगा तो सांप मर जाएगा, इसलिए सांप का जो है हजम, कैल्शियम हजम नहीं कर पाता है, सांप का एंजाइम नहीं होता है। सांप कभी भी दूध नहीं पीता है, इसलिए दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम सांप हजम नहीं कर पाता है। इंसानों का जो है, हम लोग का जो हजम करने का जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो है सांप का नहीं होता है, जिसके कारण सांप दूध नहीं पीता है। ये अंधविश्वास है, लोग समझता है सांप दूध पीता है, भक्ति से श्रद्धा से सांप का सामने में दूध रखता है, कोई कोई जोर जबरदस्ती सांप को दूध पिला देता है। सांप को अगर दूध अगर सांप का पेट में जाएगा तो एक हफ्ता के अंदर में उसको बुखार होगा, निमोनिया होगा, होके सांप मर जाएगा, सांप दूध हजम नहीं कर पाता है। बाबर मंडित बाबरटा किंतु ये बिलक बाबरटा तो दिया जाए कौन है तो ना जानो, आरो कभी सांप दूध, ये एक लोगों का श्रद्धा है कि सामने में रखता है, लेकिन कभी भी सांप दूध पीता नहीं है। ये बात आज एकदम अच्छा से समझ लीजिए, सांप कभी दूध पीता नहीं है। सांप का जो है पेट में वो हजम शक्ति नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है, जिसके कारण दूध सांप पीता नहीं है। दूध पीने से सांप का निमोनिया होगा, बुखार होगा और मर जाएगा। अगर जोर जोर से सांप को दूध पिला देगा तो मर जाएगा, इसको जरूर कोई तकलीफ है। ठीक है, वो तो आप लोग श्रद्धा से जो है इनको भक्ति अपना श्रद्धा से दिया है,
হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ কই বাত নাই ইসকো কুছ দিন মই ফুলা নি এটা কি ঘরত রাখি দিব নাকি इसे जो है मैं घर पे ले जाके एक हफ्ता जैसा रखूंगा, इसलिए इसका तकलीफ है, इसको कुछ तकलीफ है, ये अगर बच जाता है तो इसको मैं जंगल में छोड़ दूंगा। हाँ खाना पीना तो देता ही हम लोग, जैसे चूहा मेंढक, छोटा सा मेंढक हुआ, चूहा हुआ, ये सब देता हूँ। तो ये भाई साहब जो है डरा हुआ है, और अगर हमें पता होता उस समय, हमें भी पता चला था कि किसी को सांप ने डसा है, सुनाई दिया था उस समय में 6 महीने पहले, तो यही घर था, इसी परिवार से था, नलबारी में था। चलिए तो हम इसे ले लेते हैं। ये सांप भूखा भी है, इसका पेट में बिल्कुल कुछ नहीं है बाबा माँ, ये बिल्कुल भूखा है। देखिए इसका एक आँख भी खराब हो गया है, इसको चोट लगा था, सिर पे चोट लगा था।